हम मोबाइल से भेज देंगे, आप पूछिए ना, हमारा बाबूली हमारा भी भेज देंगे। बोल रवि, झारखंड में सीजीएल का एग्जाम 2016 का वैकेंसी है, 2015 का वैकेंसी है, जो 16 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद लगातार 4 बार इसका फॉर्म भराया गया, जिसमें एक बार भी एग्जाम नहीं हुआ। जो 23 में फॉर्म भराया गया जनवरी में, उसका एक एग्जाम हुआ था 28 दिसंबर को और 28 जनवरी को और 4 फरवरी को होने वाला था, जो रद्द हो गया। इस बीच झारखंड के सभी बच्चे जो इस 8 साल के अंदर कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया, जो 18 तक जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ विवाद था, जो कोर्ट के फैसले के बाद कुछ का ज्वाइनिंग हुआ और बाकी कुछ एग्ज़ाम जैसे उत्पाद सिपाही, ऐसे एग्ज़ाम कुछ रह गए हैं, जो बाकी रह गए यहाँ के बच्चे को, जैसे झारखंड पुलिस का जो बच्चा जो तैयारी करता था वो भी बहाली नहीं हो पाया, और कुल मिला के ये पूरा विवादित रहा, जिसके कारण झारखंड में बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर। सरकार से हम लोग यही अपील करते हैं कि जो भी बहाली है उसको प्रॉपर वे में बहाली लिया जाए, जिससे झारखंड के बच्चों का कल्याण हो सके और लोग अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सके। अच्छा, ये बताइए हमको कि अभी जो पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट इससे कितना आहत है और कितना परेशान है? पेपर जो लीक हुआ, आपको पता है कि वैकेंसी 2016 का है, 8 साल से तैयारी जो कर रहे हैं उन 8 साल से कंटिन्यू तैयारी, उस दौरान ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम का जो डेट है 4 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है 10 दिन पहले एक नोटिस आ जाता है कि अपरिहार्य कारण से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। और ये लगातार 3-4 सालों से हो रहा है, 2019 से लगभग लगातार ही 4-5 सालों से ऐसा ही हो रहा है इस एग्ज़ाम में कि अपरिहार्य कारण से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। आप बताइए कि आप कंफर्म भी नहीं कर पा रहे हैं कि 2 साल बाद लेंगे, आप 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद आदमी दूसरा काम भी नहीं कर सकता। लगता है 4 महीने का समय को हम उपयोग करके, सदुपयोग करके और एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, और ऐसे में ये होता है कि कहीं पे और इन्वॉल्व भी नहीं होता, एग्ज़ाम की तैयारी में लगा रहता है, और जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आता है विद इन 5 दिन 10 दिन पहले आप अचानक से नोटिस ऐसा डालते हैं कि अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है और नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम का शेड्यूल दिया जाएगा। और ऐसे करके लड़कों का 4-4, 5-5 साल आप भविष्य बर्बाद किए। लास्ट में मैं ये बता रहा हूँ कि रूम में बंद होकर 15-15 घंटे, आपको मैं लास्ट टाइम बताया कि मैं अपने मेडिकल इशू को ये करके कि एग्ज़ाम के चलते उसको मतलब साइड करके और एग्ज़ाम का तैयारी किया, लास्ट में एग्ज़ाम दिया भी। झारखंड में जब 100-200 सीट रहा था ना, तो उसमें 70% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है, लेकिन इस एग्ज़ाम में मैंने 78% कट ऑफ मार्क्स लाया था इसके, जबकि 2000 सीट है, कैसे नहीं होता? अब उतना करने के बावजूद भी जैसे ही घर आए 1-2 घंटा भी नहीं हुआ और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बताए किस वेदना से हम लोग जूझ रहे हैं, ये गवर्नमेंट को या सिस्टम को समझना चाहिए किस वेदना से हम लोग जूझ रहे हैं। उम्र जहाँ पे 23 था 30 हो गया, ऐसे में घर का प्रेशर और बहुत सारे इस तरह का प्रेशर है जिससे अब उभर पाना मुश्किल। आप तो मेरा उतना ईयर भी खा लिए, साल भी खा लिए और हमारा अब कहीं का नहीं, इसके बावजूद भी आप इस पे राजनीति कर रहे हैं। एक्साइज का एग्ज़ाम दिए उसको कैंसिल कर दिए, स्पेशल ब्रांच का एग्ज़ाम दिए उसको कैंसिल कर दिए, और 8 साल से कोई वैकेंसी का छलावा दे देगी कि बस नियुक्ति वर्ष कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप देखिए 5 साल कंप्लीट होने वाली है लगभग, अब अपना आंदोलन को करने जा रहा तो केस भी कर दिया 15 छात्रों पे। अभी क्या हो रहा है, जितना बच्चा लोग इसका तैयारी करता है सब के सब लगभग मध्यम वर्ग परिवार से, बिल्कुल बिल्कुल कोई फाइनेंशियली बहुत साउंड फैमिली का लोग तैयारी नहीं करता है, सबको उम्मीद है नौकरी कुछ ना कुछ हाँ हो जाए। तो इससे महसूस करते हैं कि सरकार को हर हाल में रोजगार देना चाहिए, हर हाल में देना ही चाहिए, और इस तरह का झूठा और छलावा नहीं करना चाहिए कि विद इन 4 मंथ में हो जाएगा, 3 मंथ में हो जाएगा। अगर आप 10 एग्जाम नहीं ले रहे हैं, अगर 2 ही एग्जाम ले रहे हैं, तो उसको एकदम स्ट्रिक्टली एग्जाम लीजिए और उस तब नकेल कसिए कि किस तरह से यहाँ पे माफिया चल रहा है, 500 करोड़ का ये जो सेट चल रहा है लोगों का, कि उसमें शामिल है हमारे DGP, अरे क्या जो हमारे अध्यक्ष है JSSC का, उनको कोई स्टेटमेंट नहीं आता है उनका, और वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा आंदोलन बहुत देखे हैं, उस ऐसे 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 बात बोलते हैं, ऐसा ऐसा आंदोलन ठीक है आप देखे हैं, लेकिन अब जो जिस लोग सर्वाइव कर रहा है उन लोग को आप समझिए। कल युवा मोर्चा के द्वारा एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, तो आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स को अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, खास करके जो ऐसे स्टूडेंट जो भुक्तभोगी जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा, उनका उम्र भी जैसा आपने बताया बढ़ते जा रहा है, उनके समक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा का अभी के धरना आग्रह होगा कि अपील। हम झारखंड के सभी युवाओं से यही बोलना चाहेंगे कि कल भारतीय जनता पार्टी भाजपा की तरफ से, झारखंड युवा मोर्चा की तरफ से राजभवन के समीप एक महाधरना का आंदोलन किया गया है, और हम ही लोग के लिए एक स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर के
इसलिए कि जितने भी पीड़ित छात्र हैं वो सभी इसमें आए और डायरेक्टली अपनी बातों को रखें, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियन आएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये राजनीति कर रहे हैं, हमारे विपक्षी हैं इसलिए राजनीति कर रहे हैं। तो हम सारे लोगों से, भाइयों बहनों से यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग सभी आइए और अपनी बातों को खुद से रखिए, ताकि ये मैसेज जाए, बड़े स्तर पे जाए, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया तक जाए कि क्या आखिर कंडीशन बना हुआ है झारखंड का पिछले 4-5 सालों से। इस 5 सालों में जेएमएम की सरकार, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मेरा कोई राजनीति से मतलब है, लेकिन आप जिस तरीके से लोगों को डोमरलाइज कर रहे हैं, लोगों को बर्बाद किए हुए, या फिर यहाँ के विद्यार्थियों को, लोगों को, आप खुद सर्वाइव सोचिए। यहाँ जो भी एग्जाम हुए, एक एक वैकेंसी में सेटिंग हुआ है, एक एक वैकेंसी, अगर नहीं है अगर विश्वास तो लोगों को देख लीजिए ऐसा कि क्या रिजल्ट 80% कट ऑफ जाता है, क्या निगेटिव में 85% 90% कहीं नहीं। अगर कोई कितना भी स्कॉलर लड़का को आप बैठा दीजिए, निगेटिव मार्क में अगर वो 90% नंबर 80% ले लाएगा, आप जो बोलिएगा हम मान लेंगे, ये असंभव चीज़ है, फिर भी इस तरह का हो रहा है। तो आप डायरेक्टली आप अपना नाम बता दीजिए और क्या करके बताइए। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, मैं यहाँ पे प्रिपरेशन जैसे सिजिल का तैयारी करता हूँ सेंट्रल लाइब्रेरी में। और आप लोगों से अपील है कि कल का जो महाधरना है स्टूडेंट के लिए, उसमें आप लोग सभी आएँ और उसको अपनी बातों को रखें और खुद की बातों को खुद को आगे बढ़ाएं उसको। धन्यवाद। तो कल आप लोग आइए, एक्चुअली देखिए